जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द क्लास 7 इंग्लिश जो है इसका क्या एक हिप्पोटॉपल। हम ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 समझा चुके हैं। आप अगर चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जो है आप चेक कर सकते हो, वो देख सकते हो। और हम ये पहले ही बताते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो विदाउट बीइंग लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Said Robbie to beggar, dropping the slippers in front of the old man. तो हमने देखा था कि क्या हुआ था, जो बेगर को बहुत ज्यादा धूप थे बाहर, इसलिए उसका पाँव जो था, पाँव में क्या हो चुका था, फुटका हो चुका था, जो पाँव में फुटका हो चुका था, स्टर हो चुका था। तो रवि और जो रवि ने सोचा क्यों ना इसे मैं एक चप्पल दू, एक स्लीपर दे दू। तो अपने वो पुराने तो सेड रबी टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। तो रबी ने उस बेगर को एक स्लीपर दिया, इन फ्रंट ओल्ड मैन के सामने एक स्लीपर रखा। वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, ये आप पहनो और कभी भी यहाँ मत आओ, कभी भी यहाँ मत आना। द बेगर स्टेड एट द स्लीपर, तो बेगर ने वो देख रहा था किसको, जो स्लीपर को आंख आंख उसको अपने कंधे पर बकाया डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और जो चप्पल जो कंधे पर जो टॉवल था उसको डाला। उसके बाद जो चप्पल था उस चप्पल को वो पहना। Pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. और बहुत सारा blessing देकर चला गया, भगवान तुम्हारा भला करे, ये सब कुछ हाँ blessing दिया children को। In a minute he had vanished around the corner of the ship. तो एक मिनट में ही वो अंतर्ध्यान हो गया, vanished इसका मतलब ये है कि वो अंतर्ध्यान हो गया। In the corner of the ship, ship के corner में कहाँ पर वो अंतर्ध्यान हो गया, वो नहीं दिखाई दिया, वो एक मिनट में ही वो गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर अब जो सिखा रहे थे म्यूजिक, किसको सिखा रहे थे, लाली को सिखा रहे थे, वो अब आए। एंड टू कैन ऑन अप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, वो तीनों से वो जो अन अप्रिशिएटिव मीन्स आप प्रशंसा करोगे, अन अप्रिशिएटिव मीन्स आप निंदा करोगे, इसका मतलब है कि कोई कुछ भी प्रशंसा नहीं किए हुए वो तीन चिल्ड्रन को घूर रहे थे। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री एंड प्लेइंग मार्बल्स, देन ही शॉट, तो वो देख रहे थे तीनों बच्चों को देख रहे थे। वो तीनों बच्चे कहाँ पर थे, वो ट्री में, जो क्वाइट जो ट्री के नीचे बैठे हुए, अंदर ट्री के नीचे बैठे हुए। एंड प्लेइंग मार्बल्स, वो मार्बल खेल रहे थे। तो तीनों बच्चों बता सकते हो वो तीनों बच्चों का नाम क्या है, रवि रबी मीना मृत्यु। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द बरांडा वेयर ही हैड पुट इट, तो वो सर्च करने लगे, मैंने एक चप्पल रखा था कहाँ गया। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, तो उन्होंने लाली को बुलाया, क्योंकि लाली उनका स्टूडेंट था, तो लाली का बुलाया। सी हरिड अप टू हिम, वो टीचर बुला रहे हैं इसलिए वो जल्दी जल्दी में गया, क्या क्यों हमारा टीचर बुला रहे हैं। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, तो लाली आप मेरे चप्पल कहीं देखे हो। आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, मैं मुझे याद है कि मैंने चप्पल यहाँ पर ही रखी थी। रबी मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द पैरेड, तो रबी मृदु मीना वो तीनों खेल रहे थे, वो धीरे धीरे से ना जानते हुए चुपके चुपके से देख रहे थे कि ये जो लाली है, लाली एंड जो म्यूजिक मास्टर, वो क्या कह रहे हैं, चप्पल को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। He hurried around looking over the railing and crouching near the tower पर to look between them. He hurried around, इसका मतलब कि यहाँ वहाँ ढूंढना, वो ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ ढूंढना को हम बोलेंगे sorry. Looking over the railing and crouching near the tower पर, जो tower पर tower पर थी, जो जहाँ पर tower पर रखा था उसके साइड में, यहाँ वहाँ सब कुछ सब पर वो देख रहे थे, ढूंढ रहे थे।
ब्रांड न्यू दे हुए, वो बोल रहे थे कि ये न्यू ब्रांड था, मेरा चप्पल जो था वो ब्रांडेड था। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैंने उस चप्पल को खरीदने के लिए मैं जो माउंट रोड में, मैं माउंट रोड दो तक गया था उस चप्पल को खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, इसका मतलब है कि वो ढूंढ रहे हैं और ढूंढते हुए ये धीरे धीरे बोल रहे हैं, मैंने वो मेरा चप्पल ब्रांड था, मैंने उसे लाने के लिए माउंट रोड तक गया था, अब वो क्या होगा न जाने कहां पर है मेरा चप्पल। दे कॉस्ट ए होल मंथ फी, वो जो चप्पल थे वो मेरे मंथ के जो इनकम है उसके मंथ के जो फीस मिलते हैं वो मंथ के फीस के बराबर है। डू यू नो, वो बोल रहे कहाँ पर है, वो पूछ रहे हैं लाली को और जो तीनों बच्चों। सुन लाली वेंट इन टू हर टेल टू हर मदर, तो लाली ये बात सब सुन के चल गया अपने अपने माता माता से बताने, मदर को बताने। रुक्मिनी अपियर, तो उनका माता थे रुक्मिनी, वो रुक्मिनी दिखाई दिए लुकिंग हरास्ट, जो रुक्मिनी थे वो दुखी लग रही थी। विद पाती फॉलोइंग हर, उनके साथ पाती भी थे, रुक्मिनी और पाती दोनों वो आए और देखे कि ये सब घटना हुआ है। वर कुड दे बी, तो वो सोच रहे थे वो चप्पल कहाँ जा सकता है। इट्स रियल क्वाइट अपसेटिंग, ये दुखी, ये ज्यादा सोचने वाली बात है, ये क्या चीज है। टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, तो वो सोच रहे हैं कि ये हमें दुखी करेगा क्योंकि समवन में भी ये सब हो सकता है, कोई इस चप्पल को वो चुरा लेकर गया हुआ, क्योंकि वो ब्रांडेड चप्पल था इसलिए शायद। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, तो डोर में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे वेंडर आते हैं, बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, कोई सब्जी लेकर आता है, कोई जूस लेकर आता है, कोई क्या ना जाने क्या लेकर आता है। वरिस पाती, पाती चिंतित हो गई, ना जाने कौन ले गया होगा। रुक्मिनी कॉट साइट ऑफ रॉबी रिजु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तो रुक्मिनी ने देखा कट के मतलब पकड़े किसको, रॉबी मिर्जू और मीना को, वो पकड़े कि ये तीनों तो वहां पर वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, वो वहां पर बैठ रहे हैं। तो अब मैं इन तीनों से अगर पूछूंगी तो शायद मुझे पता चल जाएगा। तो हैव यू चिल्ड्रन सी बिगेन, तो वो पूछे अच्छा बच्चों तुमने तुम में से किसने देखा है तो चप्पल, सी बिगेन एंड देन सीइंग देयर दे वे क्यूरियसली क्वाइट, वो देख रहे हैं कि वो ज्यादा से जितना शांत होना चाहिए उससे भी ज्यादा शांत है वो तीनों बच्चे रवि मृदु एंड मीना। क्यूरियसली इसका मतलब है कि ज्यादा उत्कंठा है, इसका मतलब यहाँ है कि जान सब कुछ जानते हुए जैसे आप धीरे से रहते हो वैसे ही जो क्वाइट रहते हैं वो सब कुछ जानते हुए वैसे ही क्वाइट रहेंगे। वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरांडा, तो बोल रहे थे वेंट ऑन मोर स्लोली, वो बोल रहे हैं कि अच्छा तुम में से कोई देखा है कि कोई बरांडा पर गया था, कोई चुरा कर ले गया होगा शायद। ए शार्प वी शेप लाइन हैज फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, इसका मतलब है कि जो आंख उठाकर आप देखो किसी ने देखा है, जब हम आंख उठा देते हो ना उठाकर देखते हो किसी ने चुराया है, किसी ने देखा है कि कोई यहाँ से लेकर गया, बताओ सही से बता दो, अगर नहीं बताओगे तो डांट पड़ेगी मार पड़ेगी। Another street tighter one appeared in place of her usually soft prison mouth, तो उसके बाद जो tighter one appeared, इसका मतलब है कि usually soft prison mouth, तो उनके जो माउथ से जैसे मानो सॉफ्ट और प्लीजेंट, अच्छा बताओ तुम्हें से कोई देखा है, शांत भाव से पूछ रहे हैं अब तुम्हें से कोई देखा है बता दो ठीक से बता दो। रुक्मिनी वाज एंग्री, हाँ धीरे से बोल रही थी, ज्यादा प्यार से बोल रही थी, देखो बता दो तो, और अब जब बच्चे ने कुछ नहीं बताया तो वो गुस्सा हो गई। थॉट मेड यू विद अ शिवर, शिवर इसका मतलब है कि जो आप कांप रहे मानो वो कांप रहे हैं। थॉट मृदु विद अ शिवर, तो मृदु मीना और रवि ये तीनों थे ना, तो मृदु अब तो कांपने लगा। She would not to be upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. तो ये वो बता रही थी कि
वो शायद अपसेट वो दुखी नहीं होते अगर वो जानते कि ये जो फूड पैकर जो जो चप्पल ले गया जो हमने उसे डोनेट कर दिया। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, वो अपने आप को बता रही थी शायद मैं नहीं देता तो अच्छा होता, अगर जानते थे अगर हम मुझे हमें पहले पता होता तो हम ये शायद नहीं देते। तो ये वो अपने आप ही मन ही मन वो सोचकर क्या कर रहा है, घबरा रहा है, दुखी हो रहा है। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी ट्राइड, रुक्मिणी देयर वाज अ बिगर हियर, तो वो डीप सांस लेकर बोले कि रुक्मिणी देखो देखो यहाँ पर एक बेकर है, पूर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, इसके पास एक चप्पल एक पैर में कुछ है शायद, देखो सच बॉयल्स ऑन हिज फीट इसका मतलब है कि उसके पैर में बहुत सारे फुटका उसके तो क्या है छाल, उसके पैर में छाल पड़ गया है देखो। सो सेड रुक्मिणी ग्रीमली टर्निंग इनटू रवि, वो धीरे से रवि के यहाँ पर देख रहा है कौन रुक्मिणी। You gave the music partner chappal to that old beggar who comes up here, तो वो पूछ रहे हैं अच्छा तुमने जो म्यूजिक मास्टर का चप्पल वो बेगर को दे दिए ना, क्योंकि उनके पैर में जो छाले पड़ गए थे जो गर्मी की वजह से। Children these days grown party, तो वो जोर से आवाज दे अम्मा did not tell me about Padma who gave away everything here to children these days grown party. नाक से जो आवाज देते वो जोर जोर से सांस ले रहे हैं वैसे ही। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कॉर्नर, तो अम्मा आपने हमें बताया नहीं था, आपको याद है ना अम्मा आपने ही हमें बताया था क्या जो कर्ण थे वो अपना सब कुछ दान दिए थे, जैसे कि अपने जो अंग वस्त्र अपना जो शरीर में एक डालते हैं एक अस्त्र वो भी जो वो दे दिए थे, उससे उतारने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था, इतना कष्ट हुआ था कि उनके शरीर से ब्लड भी निकल चुका था वो देते हुए वो दान करते हुए, वो प्रोटेक्शन लेयर था उनका। इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स ही वाज सो काइंड एंड जेनरस, तो वो काइंड और जेनरस बहुत दयालु थे, वो आपने सुनाया था कि नहीं बताओ, आपने ही हमें सुनाया था। तो सिली स्नैप रुक्मिणी, रुक्मिणी बोला क्या यहाँ पर बड़े सिली बात कर रहे हो, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स ही गिव ओनली हिज ओन, कर्ण ने दान ही दे, कर्ण ने जिन सब कुछ दिया था मगर जो जो उनका था, इसका मतलब है कि जो पराया का कोई भी होगा तो उसे दान में दे दिए ये नहीं था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्लास्ट ऑन, रवि ने बोला कि अगर मैं अपना चप्पल देता था तो मेरे चप्पल उस बेगर को फिट नहीं आती आता। एंड अम्मा इफ दे डिड द फिट यू डू रियली नॉट हैव माइंडेड, अम्मा अगर अगर होता तो मैं क्या नहीं देता, आप भी कुछ नहीं सोचते क्या, मैं आपको तो मुझे अच्छे से जानते हो। तो रवि सेड रुक्मिणी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट, तो रुक्मिणी ने बोला रवि बहुत गुस्से में बोला अब मैं कुछ बोलूं तुम घर में आपको चले जाओ, मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा हार्डली ऑन न्यू चप्पल्स, तो वो कौन रुक्मिणी अब अंदर गई और जो गोपू मामा थे जो हार्डली ऑन, हार्डली ऑन इसका मतलब है कि कभी नहीं पहन, हार्डली इसका मतलब है कि कभी नहीं, और कभी कभार पहनते और कभी नहीं पहनते। जो गोपू मामा थे उन जो उनके पास एक उनका चप्पल घर पर था वो चप्पल वो यूज नहीं करते थे गोपू मामा, तो न्यू चप्पल था वो भी न्यू चप्पल था दे शुड फिट यू साल, तो वो जो गोपू मामा का चप्पल थे वो चप्पल को रुक्मिणी ने दे दिया किसको, म्यूजिक मास्टर को, सर प्लीज पुट दिस ऑन, आप प्लीज इसे पहन 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 पहनिए, आई एम सो सॉरी मुझे भी दुखी मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, माय सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरे बच्चा बहुत शरारत है। द म्यूजिक मिस्टर्स आईज लिट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक सो टू हैप्पी, तो उनका आंख वो ऐसे फूल रहे हैं जैसे क्या करेंगे, वो पहने उस चप्पल को पहने मगर वो हैप्पी नहीं हुए, क्यों क्योंकि उनका जो चप्पल था वो ब्रांडेड चप्पल था, वो कहाँ कहाँ पर जा गए थे उसे खरीदने के लिए,
Well, I suppose this will have to do. These children have no respect for elder. What to do? तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं ये पहन लूंगी, मगर आजकल के बच्चों को बड़ों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे तमीज से बात करेंगे, बड़ों से कैसे रेस्पेक्ट देंगे, ये पता नहीं है. What to do? ए हनुमान इनकार्नेट ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो. जो हनुमान थे वो ज्यादा क्या थे, जो बचपन में वो बहुत ही शरारत थे, जो आपको मतलब पता है वो शाम को भी अपने माउथ में ले चुके थे. वो शाम को एक वो एक मिठाई समझकर उन्हें अपने मुंह में गिन लिए खा लिए थे. तो वो हनुमान को जो परिवर्तन हुआ, जो वो कैसे शरारत से एक अच्छा आदमी बने, वैसे इनकार्नेट इसका मतलब है कि आपका आप अगर अपना पुनर्जन्म होगा. जैसे ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, राम ही केवल इस नॉटी फेलो को वो चेंज कर सकते. वैसे ही इस बच्चे को क्यों कौन चेंज करेगा. तो रुक्मिणी आई ब्लास्ट वो धीरे से सुन रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनका बच्चा शरारत किया है, इसलिए सी डिड नॉट सीम टू लाइक रॉबी बींग कॉल्ड ए मंकी इवन ए होल मंकी. तो वो कोई अपना उनका सन को मंकी बुलाए हनुमान जी के जैसा तो वो नहीं चाहते. सी स्टूड स्टीप एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर. वो मानो धीरे से खड़ी हो गई, कुछ ना कुछ कहते हुए वो धीरे से खड़ी हो गई, स्तब्ध होकर खड़ी हो गई. डज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली. तो इसे ये पता चल रहा था कि रुक्मिणी जी जा रहे थे कि अब वो जो म्यूजिक टीचर है वो यहाँ से जल्द चला जाए और कुछ बातें सुनाए हुई और कुछ ये मत सुनाए, अब चले जल्दी से जल्दी चले जाए. When she had clattered off his new chappal, she said, "Midhu, come in and have some tiffin." तो वो जो चप्पल दे दिए तो बोले मृदु यहाँ पर आओ और कुछ टिफिन ले जाओ. Honestly, how do you children think of such things? तो वो बोल रहे हैं अच्छा बच्चों ये बताओ तो कौन बोल रहे हैं, मृदु she said, sorry. रुक्मिणी बोल रहे हैं तो बच्चों आपको ये क्या लग रहा है, रबी तो उनका बच्चा था, तो मृदु को बताओ, मृदु आप आओ और टिफिन कुछ ले जाओ. तो आप सबको बताना है ऑनेस्टली कि आपने जो ये चप्पल दिया आपको कैसा लग रहा है, ये ठीक है या गलत है. थैंक्स गॉड योर गप्पू मामा डोंट वेयर दिस चप्पल टू वर्क. तो बच्चों ने अच्छा ही किया था, मगर इस परिस्थिति को कैसे संभाला जा सकता था. जो टीचर वो गुस्सा हो गए थे ना, वो दुखी भी थे, तो हमने बच हम भगवान ने हमें बार बार बचा लिया. कैसे? जो गोपू मामा का चप्पल था, गोपू मामा जो नहीं जो पहनते नहीं थे, उस चप्पल को हमने ठीक टाइम पर दे दिया. किसको? ऐसे वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मिजु एंड मीना. शी सडनली बिगन टू लव. नाउ रुक्मिणी वो जब मिजु और मीना के साथ गए थे तो किचन में, तो रुक्मिणी जी भी इनका गुस्सा थोड़ी समय के लिए था, मगर वो बाद में खुशी हो गई. बच्चों के ये काम देखकर वो खुश हो गए. तो शी इज ऑलवेज सच ए हरी टू थ्रो अप टू हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सून एज ही कम्स होम. तो वो भी सोच रहे हैं कि जो कौन थे, गोपू मामा थे. जो गोपू मामा जब भी हम घर आते थे वो जल्दी जल्दी में आते थे, वो चप्पल शू यहाँ वहां फेंक देते. कौन? गोपू मामा. What's your mama going to say this evening? What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? तो ना जाने कब हो क्या होगा, हम दे संभाल लेंगे. तो अगर हम बताएंगे कि रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि अगर हम तुम्हारे मामा को बताए कि मैंने उनके चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिया, तो तुम्हारे मामा का रिएक्शन क्या होगा हम देखेंगे. शायद उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उनका कितने सारे चप्पल है वो यहाँ वहां फेंक देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये लिखे हैं बसंत सूर्या. सो हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर. द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अबाउट ये आप सिलेक्ट सकते हो. हेड द बेगर केम टू रुक्मिणी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. नो, वो फ्रिक्वेंटली आता था. गिव रीजन फॉर योर आंसर. आप ये लिख सकते हो, अगर कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. ए सात बीस है प्लान फॉर्म और आईब्रोज. इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर हमने पूछा. Okay.
रब भी कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू, आप बता सकते हो जो लाली बोल रहे डी रेलिंग, जैसे रेल ट्रेन डी रेल हो के जो साउंड होगा वो उससे उससे कंपेयर कर रहा था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्र, इसका मतलब है कि वो उसे छुपाना चाह रही थी। द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट ऑन हिज वायलिन एंड लाली, वो जो टीचर वो ये आप लिख सकते हो वो जैसे कि एक अच्छा सुरीली आवाज में वो बेस कर रही थी। द बेगर सेड द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, वो हमेशा हमें अपना जो कुछ ना कुछ देकर ही हमें छोड़ती है, उनके दया से मैं यहाँ पर लगभग 5-7 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ। आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली, ये वो पूछ रहे हैं कि लाली को क्या पूछ रहे हैं कि आपने मेरे चप्पल देखा है, मैंने ये बैरन अविन पर रखा था कहाँ पर ही गया चप्पल, वो पूछ रहे हैं। तो म्यूजिक टीचर आप जो विंडो से देख रहे थे म्यूजिक टीचर को, तीनों विंडो से देख रहे थे म्यूजिक टीचर को, आपको कैसा लगा, आपको उनके प्लेस में रहकर ये सोचना है और आपको लिखना है। व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूडेड बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल, तो मृदु को कैसे लगा कि उनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं था क्योंकि उनके पैर में छिलका पड़ चुका था, अगर पैसा होगा तो वो खरीद कर चप्पल पहन लेते। व्हाट डज ही सजेस्ट टू शो हर कंसेंट, तो वो क्या करा कि जो चप्पल था एक पुराना चप्पल था उसको उन्होंने डोनेट कर दिया। Have you children? She began, then seeing them curiously quiet, so more slowly seen anyone lurking. तो आप क्या सोचते हो रुक्मिणी वो क्या पूछने चाहते थे? Why did she change her question? Why did she think had happened? तो सुनो ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, ये जो क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो तो हम लैंग्वेज पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पर ई प्लस दिया गया है, ठीक है हम ये जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हम डिस्कशन करेंगे, आपको पढ़कर आना है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको भी आंसर देना होगा, ठीक है? और कुछ आपके मन में जो शंका होगा डाउट होगा तो हम वो क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।